नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में मंगलवार को हुई हिंसा मामले में प्रशासन ने जांच बिठा दी है। ऐसे में हिंसा में शामिल छात्रों पर अब प्रशासन की ओर से बनाई गई अनुशासन समिति एक हफ्ते के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट VC को सौंपेगी। शैक्षिक माहौल खराब करने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किया जा सकता है। IHPU में छात्र संगठन SFIABVP कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें 10 से ज्यादा छात्रों को चोट आई थी। 4 छात्रों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था। छात्राओं को भी चोट लगी थी। अभी भी VV कैंपस में तनाव की स्थिति बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान कैंपस में तैनात हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस में अब बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं दी जाएगी। जिन स्टूडेंट के पास यूनिवर्सिटी का आई कार्ड होगा उन्हें ही कैंपस में आने दिया जाएगा। आउटसाइडरों के आने पर रोक लगा दी गई है। समर हिल चौक पर कुछ ABVP और SFI कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान दो कार्यकर्ता आपस में बहस करने लगे। यह बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। देखते ही देखते अन्य कार्यकर्ता भी वहां आ गए, जिससे हिंसा शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में SCA चुनाव काफी समय से बंद है, इसके बावजूद भी हिंसा नहीं रुक रही। 2014 में छात्र संगठनों में होने वाली मारपीट के चलते ही चुनाव पर बैन लगाया था। इसके बावजूद भी कैंपस में हिंसात्मक गतिविधियां जारी है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।